बोलिए बीजासेन माई की जय। तो प्रिय बंधुओं, आज हम रायसेन जिले में स्थित ग्राम रेसलपुर बीजासेन धाम में आए हैं और यहाँ का आज हम बीजासेन माता का आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ का जो नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण है उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। मैं अपने कैमरामैन श्री राजेश प्रजापति से अनुरोध करूंगा कि अपने दर्शकों को यहाँ का जो प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण है, देखिए कितनी सुंदर हरियाली है, पहाड़ी क्षेत्र है, हाँ यहाँ पे ये बहुत दूर पे एक निशान दिख रहा होगा आपको, ये निशान साड़ू बाबा नाम के कोई सिद्ध बाबा का स्थान है। ये पास में खाकर और पीपल के सुंदर वृक्ष है। खाकर और पीपल दोनों का अपने आप में बड़ा महत्व है। ये बीजासेन धाम बड़ा ही सिद्ध स्थान है। ये जो पहाड़ी में बता रहा हूँ आपको, इधर कहते हैं कि ये कोई सिंगीकोट नाम का स्थान भी है। तो ये सिंगीकोट नाम का जो स्थान है, इससे इसकी पौराणिकता सिद्ध होती है कि प्राचीन समय में एक श्रृंगी नाम के ऋषि हुए हैं जिनका अनेक अनेक पुराणों में जिक्र आता है। मैं ऐसा दावा तो नहीं करता कि ये स्थान उनसे ही संबंधित रहा है, पर हाँ ये मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि ये स्थान श्रृंगी ऋषि के आश्रम से संबंध रखता हो, ऐसा मेरा मानना है। पर मैं इस बात का कोई प्रमाणिक दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल स्थान मात्र से अपना ऐसा विश्वास जताता हूँ कि हो सकता है ये स्थान श्रृंगी ऋषि का आश्रम रहा हो। चलिए हम आपको आगे और इस धाम का जो है दर्शन कराते हैं। ये वर्तमान में ये जो बैठने की जगह आपको दिख रही है, हमारी शासन व्यवस्था की तरफ से प्रदान की गई राशि से इसका निर्माण हुआ है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये समाधि स्थल हमारे पुराने एक पंडा बाबा हैं, उनका समाधि स्थल है। यहाँ पर उनको समाधि दी गई थी। ये दूसरा समाधि स्थल हमारे स्वर्गीय पंडा बाबा श्री बाबूलाल जी आत्मज भाव सिंह जी का है। यहाँ उनके स्वर्गारोहण के पश्चात समाधि दी गई। ये स्थान बादी बाबा का है, कोई बादी नाम के बाबा थे जो इनको यहाँ समाधि दी गई है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर जो दर्शन करने योग्य स्थान है, मैं उनके आपको दर्शन करवाता हूँ। आइए, माता मंदिर परिसर में प्राचीन कुआ है और ये इधर जो पास में गांव बसा हुआ है,
उसके लिए और ये मंदिर के लिए एकमात्र पेयजल की आपूर्ति इस कुएं से होती है। आइए इस स्थान के बारे में हम जानकारी लेते हैं। गांव के जो ग्रामीण पटेल साहब खड़े हुए हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। आइए। आपसे निवेदन है कि सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। भगवान आपका शुभ नाम क्या प्रभु? रामदयाल परमार। रामदयाल जी परमार। आप ग्राम आशापुरी विराजते हैं। अच्छा, तो इस स्थान से आप कब से जुड़े हुए प्रभु? हमने जन्म लिया जब से। जन्म लिया जब से। अच्छा, आशापुरी में आपके मतलब कई पीढ़ियां निवास करती आई होंगी, है ना? अच्छा, तो ये कुआ पहले से ही है? पहले पुराना कुआ है। पुराना कुआ है। 25 फुट गहरा है। अच्छा, 25 फुट गहरा है। अच्छा अच्छा, तो सूख जाता है इस टाइम पे। अच्छा, मोटर से भर कर पीना पड़ता है। अच्छा, नहीं होती। फिर मंदिर पुराना पीपल की माता जी का स्थान। अच्छा, मंदिर पुराना है। पुराना मंदिर। अच्छा, हमने ऐसे देखा उसे, ऐसे ही देखा है। माता जी का पुराना तो अभी मतलब हाँ, तो पुराना स्थान कहाँ पे? आइए चलिए पुराने। हाँ चलिए आइए। अच्छा, ये पुराना स्थान है। पुराना स्थान है माता जी बिजासन। अच्छा, माता बिजासन। बिजासन। अच्छा अच्छा, चाहे तो गणपति जी का स्थान है। बैठ जाए, बैठ बैठे बताइए। हाँ हाँ हाँ, गणपति जी का पुराना स्थान। अच्छा, तो अच्छा आप यहाँ पूजा करते? पूजा करते हैं। अच्छा, आप भी पूजा करते हैं? सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। अच्छा, आप बताइए थोड़ा सा कि ये दोनों मूर्तियाँ, ये बिजासन माई की मूर्तियाँ। अच्छा, और वो गणेश जी हैं। अच्छा, तो भाई साहब थोड़ा सा ये बताइए कि ये स्थान कब का है? ये बहुत पुराना है। बहुत बहुत पुराना, बहुत पुराना है। बुक्की पर से हमने तो ऐसे देखा। अच्छा, हमने तो ऐसे ही देखा, ऐसे ही देखा है बस। अच्छा, बहुत पुराना स्थान। बहुत पुराना, सतयुग का है वो तो। सतयुग का? अच्छा, आजकल तो नहीं, सतयुग का है कोई जमाने का। अच्छा, ऐसे देखा है? ऐसे ही देखा है। अच्छा, तो फिर मतलब माता जी का मंदिर पहले इधर था कि इधर ही? पुराना यही था। अच्छा, इसके बाद में गांव वालों ने चंदा करके हाँ, और ये मंदिर बनवाया गया, सराय वगैरह ये भी है। हाँ हाँ, तो जब गांव वालों ने बाद में किए दाम पे रखने से अपन आजाती वो आया इसी में लगाया। अच्छा अच्छा, इसी से आ जाती है। तो ये जो है स्थान पुराना है। पुराना स्थान है माता जी का, है ना? ये बिजासन सलकनपुर वाली, ये दोनों एक। अच्छा अच्छा, मेरा सलकनपुर वाला स्थान और ये एक दोनों है। एक है पड़ार देता हाँ, अपने मैं पड़ार नहीं देता बस ये है सर। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा, चलो अंदर सेवा अंदर का दर्शन और करवाइए। चलो आइए। चलो अच्छा, किसी चित्रकार ने बड़ी सुंदर चित्रकारी की है, बड़ी सुंदर चित्रकारी की है। एक क्या लिखा है, बिन संतोष न काम नसाही और काम अछत सुख सपने हूँ नाही। वास्तव में बड़ी सुंदर बात है कि व्यक्ति को जब तक संतोष नहीं होता है तब तक उसकी कामनाएं जागृत रहती है, और जब संतोष हो जाता है तो उसकी कामनाएं नष्ट हो जाती है। ये चित्रकार की कल्पना देखिए, क्या शेरा वाली माँ का चित्र बनाया है, जय माता रानी की। ये आरती लिखी हुई है। अब यह माता बिजासन का दरबार है। आइए आप बताइए। आइए
आइए बताइए इनमें ये कौन कौन भीम महाराज के बगल में पता हाथ से पता करने जाते हैं माता जी ये सिंदूर लगा हुआ है वीर महाराज। अच्छा और ये भी वीर महाराज है। ये भी वीर महाराज। तो ये कौन से वीर है वो कौन से वीर छोटे बड़े हैं। छोटे बड़े तो वो बड़े हैं और ये छोटे हैं। अच्छा ये देवी जी है बीजासन में आई है। अच्छा तो यहाँ मेला वगैरह भी लगता है 9 दिन को। अच्छा 9 दिन का मेला लगता है 9 दिन बाद भारी भगवान तो 9 दिन कोई मेला है। अच्छा हाँ भारी भगवान मतलब प्रत्येक नवरात्रि में मेला लगता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक काम भी होते रहते हैं। धार्मिक काम होते हैं। तो प्रिय बंधुओं आज हम आपको बीजासन माता मंदिर में दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं। यहाँ पर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि स्थान भी पौराणिक काल का ही है और विशेषकर 10वीं और 11वीं सदी का इसका परमार राजाओं ने ही बनवाया और समय काल चक्र के कारण ये जो पीपल के पास में मंदिर था वो मंदिर गिर गया नष्ट हो गया और इसके पश्चात वहाँ की मूर्तियाँ खंडित हो गई पर लोगों की आस्थाएँ बनी रही। हमारे माता बीजासन माता मंदिर में बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और ये एक मध्य प्रदेश का और विशेषकर रायसेन जिले का एक बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। हाँ आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? परम सुख। अच्छा परम सुख जी। तो परम सुख जी ये बताइए कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं? अश्वेर की चंडिया है। अच्छा अश्वेर की चंडिया है ना तो के लिए। अच्छा अच्छा तो वो देवी पूजा पार अश्वेर पूरे आजू बाजू के सब लोग आते हैं। हाँ पटेल साहब आपको जानकारी होगी किस किस जिले से यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग? पर बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ। जिले तक के आते हैं। अच्छा होशंगाबाद तुम्हारे अच्छा सीओनी ओर से भी आते होंगे उज्जैन तक से आते हैं। हाँ तो इस प्रकार से ये माता मंदिर रेसलपुर में रायसेन जिला सीहोर होशंगाबाद और अधिकांशतः भागों से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं दर्शनार्थी। ये दो सज्जन खड़े हो गए हैं इनसे जानकारी लेते भाई साहब आप कहाँ से पधारे हुए हैं? मंडलीप से आए। मंडलीप से आए हैं। अच्छा आपका शुभ नाम? गौतम राजपूत जी। गौतम राजपूत। गौतम जी राजपूत। आप? रोहित यादव जी। रोहित यादव। रोहित यादव। अच्छा आप कब से आते हैं यहाँ पे? यहाँ भी आप अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते होंगे। तो इस प्रकार से इस स्थान पर ऐसे बाहर से भी कई लोग आते हैं जैसे बताया कि दोनों नवरात्रों में यहाँ पर बड़ा मेला लगता है लोग बाग दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है। आवश्यकता है कि इस स्थान का आसपास काफ़ी संख्या में पूरा संपदा बिखरी पड़ी हुई है इसके संरक्षण संवर्धन की जरूरत है।